लेट्स स्टार्ट। हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, ज्यादा देर नहीं लेंगे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी असल में स्टडी अबाउट द लाइफ है ये, और ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ के लिहाज से भी हम कहते हैं। हमने साइंस पढ़ा था क्योंकि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की स्टडी की जाती है, इसकी मदद से स्टडी की जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी है, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी मेन ब्रांचेस हैं जो हम कॉमनली स्टडी करते हैं। ये फिर उसके बाद हमने लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी थी और लाइफ के कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी जिंदा जानदार के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है। तो लाइफ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज मींस दैट हैव एबिलिटी टू दैट हैव लिविंग एबिलिटी, आर वी कैन से एनीथिंग दैट परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज आर एनीथिंग दैट हैव ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, दैट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद हमने वाइटल एक्टिविटीज को भी डिस्कस किया था। वाइटल एक्टिविटीज बेटा ये हैं, वाइटल एक्टिविटीज का मतलब है इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, और वो तमाम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो किसी भी जिंदा जानदार की बॉडी के अंदर अवेलेबल है, उनमें रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ एंड मेटाबोलिज्म है और रिप्रोडक्शन है। हमने कल पहला जो टॉपिक है या पहली जो चीज है वो हमने कल डिस्कस की थी, वो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रिएशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, या जितने तक हम पहुंच पाए हम पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट वीक होगा तो उसमें हम अपने कोर्स की तरफ हम आएंगे, मगर उससे पहले कुछ चीजें और भी इम्पोर्टेंट हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। मुझे दो चीजें डिस्कस करनी है, इम्पोर्टेंट है। एक है कि कंपोनेंट ऑफ लाइफ और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। फिर आपको बायोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है या बायोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमारा जो बेटर टॉपिक है आज, हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रिएशन। क्योंकि हमने रेस्पिरेशन कल डिस्कस किया था, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से रिलीज आउट करते हैं दो फॉर्म में, एक यूरिया की फॉर्म में यूरिन में, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल आउट करते हैं। और वाटर है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन में काम आता है, या इसी वाटर को हम पसीने में या यूरिन में पास आउट कर देते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी फॉर्म। और इस एनर्जी की मदद से हम ज्यादातर अपनी बॉडी के अंदर टू डू वर्क करते हैं, काम करते हैं। काम करने की जो हमें सलाहियत है, एबिलिटी है, वो किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। तो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ हम आएंगे। फिर मैंने ये भी बताया था रेस्पिरेशन के लिए कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिज्म ब्रेक ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का बेटा मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, मींस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो और ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की बर्निंग हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम आएंगे इस की तरफ। ये हमारे पास जो चीज है बेटा, दिस इज द एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन किस चीज को हम कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रिएशन है क्या। एक्सक्रिएशन टेकन फ्रॉम द एक्सक्रिएटा, एक्सक्रिएटा मीन्स वेस्ट मटीरियल्स। एक्सक्रिएटा का मतलब क्या है, वेस्ट वेस्ट मटीरियल का नाम देते हैं हम,
वेस्ट मटेरियल। अब हम आते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है, इसको हम अखराज या खारिज करने का अमल भी कहते हैं, इसको एक्सक्रिएशन। वेस्ट मटेरियल के पास होने वाले प्रोसेस, एक्सक्रिएशन किस चीज को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड, अनवांटेड सबस्टेंसेस, सबस्टेंसेस। तो एक्सक्रिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रिएटरी मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, रिमूवल ऑफ दैट सबस्टेंसेस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड इनसाइड द बॉडी, या आप कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्सेस सबस्टेंसेस, एक्सेस सबस्टेंसेस, रिमूवल ऑफ एक्सेस सबस्टेंसेस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से अखराज करना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सबस्टेंसेस, रिमूवल ऑफ एक्सेस सबस्टेंसेस, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक, टॉक्सिक सबस्टेंसेस। दोबारा देख लें, एक्सक्रिएशन अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से खारिज करना, या रिमूवल ऑफ दोज सबस्टेंसेस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इनसाइड द बॉडी, या एक्सेस सबस्टेंसेस मींस इजाफी हो चुके हैं, जैसे पानी है, पानी फॉर एग्जांपल 1 गिलास पानी आपको चाहिए था, 2-3 गिलास पानी की आपने पी लिए, तो 1 गिलास तो जरूरी था पानी, बाकी जो इजाफी था 1 गिलास या 2 गिलास वो आप यूरिन में या यूरिनेशन में पास करते हैं। टॉक्सिक का मतलब है जहरीले मटेरियल्स, जैसे अमोनिया है, जैसे यूरिया है, जैसे यूरिक एसिड है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज आर द टॉक्सिक सबस्टेंसेस, जहरीले मादे हैं ये, गैर जरूरी मादे, अनवांटेड सबस्टेंसेस, इनको अगर रिमूव कराया जाए तो तमाम जानदार एक्सक्रिएशन करते हैं। और बेटा हमारे पास ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इंसान के अंदर जो है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हमारे एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, हमारे जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं बेटा, वन इज स्किन एंड अदर वन इज किडनी एंड थर्ड वन इज लिवर। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स बेटा कौन से हैं, स्किन, स्किन से क्या होता है, स्वीटनिंग, पसीना जो है, कौन सी चीज, स्वीटनिंग, स्वाइटनिंग पसीने को कहा जाता है, स्वाइटनिंग। और उसके बाद जो है इससे यूरिन पास होता है किडनी से, यूरिनेशन, यूरिन। और लिवर से बेटा एक केमिकल निकलता है दैट नोन इज बाइल। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि ह्यूमन के ये तीन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कितने हैं, तीन है, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कितने हैं, थ्री एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वन इज स्किन, अदर इज किडनी, थर्ड वन इज लिवर। स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेटनिंग, पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किडनी जो है यूरिनेशन, यूरिन पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
लिवर जो है बाइल आरबीसी से बनता है, रेड ब्लड सेल्स। जब ब्लड के सेल लिवर में मरते हैं तो उसमें से एक केमिकल बनता है, उसको हम बाइल कहते हैं, और ये बाइल हमारे बॉडी से पास आउट करता है जो लिवर से। तो लिवर, किडनी, स्किन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, स्विट, यूरिन, बाइल, दैट आर द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स। और उसके बाद कुछ जानदारों में ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि एक है ऑर्गन्स मींस जो हमारी बॉडी के अंदर है, सेल के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उसको हम एक्सक्रिएटरी कौन सी चीज है बेटा, एक्सक्रिएटरी ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल्स सेल में पाए जाते हैं। किसके अंदर? सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो कौन सी चीज है? वो है वैक्यूल, वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसको, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसको, जो सेल के अंदर पाया जाता है। दोबारा सुन लें, लास्ट टाइम मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। वेस्ट मटेरियल का रिमूव करना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, एक्सेस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मींस पॉइजनस, जहरीले मादे बॉडी से अखराज किए जाएं, गैर जरूरी मादे बॉडी से अखराज किए जाएं, या ऐसी तमाम चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है उनको अगर रिमूव किया जाए तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये एक्सक्रिएशन है। एक्सक्रिएशन में बेटा क्या होता है कि कोई भी चीज आप अपनी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, बॉडी के अंदर ड्रिंकिंग की फॉर्म में या ईटिंग की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज चली जाती है, फिर आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं उस चीज का तायुन करते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कितनी चीज आपको चाहिए या कितनी चीज आप यूरिन में पास करें। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये एक्सक्रिएशन है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज गैर जरूरी आ गई है, कोई भी चीज इजाफी आ गई है, या कोई भी चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम यूरिन के अंदर पास आउट करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये एक्सक्रिएशन है। अब हम एक्सक्रिएशन के बाद आगे हम आते हैं, तो नेक्स्ट जो चीज हमें आज पढ़नी है वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है हमारे पास, थर्ड वन इज न्यूट्रिशन। बेटा इनके ऊपर एक एक चैप्टर है, ये तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन में आपका चैप्टर नंबर 13 है, एक्सक्रिएशन में इंटर का चैप्टर नंबर 1 है, और न्यूट्रिशन पे चैप्टर नंबर 12 है। तो इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन समझें, जानदारों के अंदर जो है किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है वो है बेटा मोड ऑफ गेटिंग, मोड ऑफ गेटिंग फूड, मोड ऑफ गेटिंग फूड, आर वी कैन से न्यूट्रिएंट। कौन सी चीज बेटा? मोड ऑफ गेटिंग मींस खाना खाने का तरीके का या खाना बनाने का तरीके का, ऐसा तरीके का जिसकी मदद से जानदार अपनी बॉडी के अंदर फूड बनाए, फूड मटेरियल को सिंथेसिस करे, फूड मटेरियल को यूटिलाइज करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दोबारा सुन लें, मोड ऑफ गेटिंग फूड, खाना बनाना या खाना लेना या खाना खाने की जो सलाहियत है उस सलाहियत को हम नाम देते हैं कि ये न्यूट्रिशन है। और इसमें मैंने एक टर्म यूज किया है न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट का मतलब क्या है? न्यूट्रेंट मीन्स सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फूड।
न्यूट्रेंट का मतलब है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। तो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, या एक और साइंटिफिक टर्म भी हम यूज करते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। दोबारा सुन लें कि न्यूट्रिएंट्स अगर क्या हैं, अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर सादा अल्फाज में कहें तो ऐसी चीजें जो खाने में पाई जाए या खाने में हम खाएं, तो उन चीजों को हम नाम देते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फूड, जो भी जानदार कोई चीज खा रहा है उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होगा। और जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में न्यूट्रिएंट की आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, मींस ऐसी चीजें जो हम खा रहे होते हैं। तो हम अगर कोई बिल्कुल दुबला पतला होता है उसके लिए आप क्या कहते हैं कि खाता नहीं है क्या? या जो है फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा जो फैट मैन है उसके लिए आप कहते हैं कि ज्यादा खाता है, तो मींस उसके अंदर उसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा खा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। और अब जो है आप मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो इंक्रीज हो रही है साइज में, खाना हम जब खाएं अगर स्टोर करें तो हटे कटे मोटे तगड़े तवाने हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो तो हमारी ग्रोथ हो, और अगर हम उसको तोड़ें, अगर उसको हम ब्रेक करें, उसकी हम ब्रेक डाउन करें, तो उसमें से हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी की मदद से हम काम करें, वर्क करें, और टू डू वर्क वाली कंडीशन के लिहाज से हम यूज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं बेटा? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, एक्सेट्रा। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोटीन है क्या, लिपिड है क्या, कार्बोहाइड्रेट है क्या। मगर मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटीन्स आपको किस चीज से मिलते हैं। प्रोटीन्स बेटा हमें स्पेशली पल्सेस, दाल जो है उनके उनमें से मिलते हैं, चिकन से मिलते हैं हमें, मीट से मिलते हैं हमें, फिश से मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से हमें प्रोटीन्स जो हैं। मगर हम कहते हैं कि ज्यादातर अगर किसी बंदे को प्रोटीन चाहिए अपने मसल्स और डोले बनाने हैं तो उसके लिए चने खाए वो, ग्राम जो है, क्योंकि उसके अंदर पल्सेस जो दाल होती है उसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, और ज्यादा बेहतर क्वांटिटी में प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है फॉर द मसल्स डेवलपमेंट, हेयर्स, नेल्स या डिफरेंट पार्ट के लिए। लिपिड्स अगर आप पूछना चाहें तो चिकन हार्ट को कहा जाता है, चिकन हार्ट को, ऑयल है जैसे, ऑयल तेल है जैसे, या घी है जैसे, या मक्खन है जैसे, ये लिपिड्स में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में बेटा जो चीज आती है वो मिठास वाली चीज है, जैसे शुगर है आपके पास, ग्लूकोज है आपके पास, ये किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में पल्सेस या ऐसी चीजें, और लिपिड में चिकनाहट वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट में मीठी चीजें आती हैं, और मिनरल्स ज्यादातर हमें पानी के साथ जमीन से हमें मिलते हैं। अगर आप मिनरल वाटर पीते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिनरल वाटर को मिनरल वाटर क्यों कहा जाता है, ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर समझते हैं मिनरल वाटर प्योर वाटर है, एम प्योर वाटर है, प्योर नहीं है, प्योर वाटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्टल वाटर है। मिनरल वाटर इज नॉट प्योर वाटर साइंटिफिकली। मिनरल वाटर बेटा क्या है? मिनरल वाटर क्या है? मिनरल वाटर प्योर वाटर नहीं है, मिनरल वाटर के अंदर लॉट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट। आप देखेंगे जब भी मिनरल वाटर की अगर आप बोतल लेते हैं, उस बोतल के ऊपर आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ मिनरल उसके ऊपर बनाई हुई होती है, तो ये मिनरल्स की लिस्ट जो बनाई होती है वो पानी के अंदर डाली जाती है। तो मिनरल वाटर का मतलब क्या है कि ऐसा पानी जिसके अंदर आप मिनरल डालें
और अपनी रिक्वायरमेंट के तहत डालें, आपकी बॉडी को जितनी मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं इतनी डालें और उसको आप पिए। तो ऐसे वाटर को आप नाम देती हैं कि ये प्योर मिनरल वाटर है, जो नॉर्मली हमारे पास नाम दिया जाता है। तो डिस्टल वाटर इज अ प्योर वाटर, बाकी इम्प्योर वाटर है जिसके अंदर अदर मटीरियल। हाँ, ये कह सकते हैं कि साफ पानी है। साफ पानी का मतलब क्या कि उसके अंदर जरासीम नहीं है। साफ पानी आप कह सकते हैं, मगर प्योर इन सेंस में नहीं कह सकते। बायोलॉजिकली या केमिस्ट्री के लिहाज से आप इसको प्योर वाटर नहीं, डिस्टल वाटर ज्यादातर प्योर होता है जो सिर्फ पानी होता है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं होती। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, ब्रेक डाउन को कहते हैं, और ये हम डिटेल में नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म है, जो मैं डिस्कस कराऊंगा कि ये कैसे और किस तरीके से। अब हम आते हैं कि बेटा न्यूट्रिशन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरी है बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 दैट इज हेटरो हेटरोट्रॉफिक हेट्रो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दोबारा देख लें, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ऐसे तमाम जानदार जो अपना खाना खुद बनाए उनको हम ऑटो कहते हैं। ऑटो वर्ड की मीनिंग क्या है बेटा? सेल्फ है। और हेट्रो वर्ड की मीनिंग क्या है? डिफरेंट। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? तो ऐसे जानदार जो अपना खाना खुद बनाए। तो वो कौन से जानदार हैं हमारे पास? बहुत सारे जानदार हैं। इसमें कॉमन ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे पास आ जाते हैं, प्लांट्स हैं और एल्गा एलजी हैं, और भी बहुत सारे जानदार हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक कुछ प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। तो ऐसे जानदार जो अपना खाना खुद बनाए, जैसे प्लांट बाहर खड़े हुए हैं, तो कभी आपसे किसी प्लांट ने ये नहीं कहा कि आपने सुबह का नाश्ता नहीं दिया, या उसके बाद दोपहर में या रात के टाइम जो आपने रोटी नहीं दी है या खाना नहीं दिया है। तो क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही यूटिलाइज करते हैं, हमें भी देते हैं उल्टा। तो हम जो जिंदा हैं वो किसकी वजह से? इन ऑटोट्रॉफिक की वजह से, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक खाना बनाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनमें से हमें फूड मटेरियल या खाना मिलता है। तो ये इस तरीके से हमें फूड मटेरियल मिलने के जो चांस होते हैं वो इस वजह से होते हैं। और इसके बाद जो हेटरोट्रॉफिक हैं, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेटरोट्रॉफिक का मतलब है गेटिंग देयर फूड, गेटिंग देयर फूड देयर फूड या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट रिसोर्सेस, डिफरेंट री सोर्सेस दोबारा देखें, मैं देख रहा हूं हैंड रेज आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके आंसर देता हूं लास्ट में 5 मिनट 35 के बाद, 5 मिनट के बाद जो है मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, जहां पे भी आपको आप प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मोड ऑफ गेटिंग फूड्स, खाना खाने की सलाहियत को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, और खाने में जो चीजें हमें मिलती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है।
न्यूट्रिएंट्स बेटा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये तमाम चीजें प्रोटीन इसमें न्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा कि फलां जानदार ऑटोट्रॉफिक है, फलां जानदार हेटरोट्रॉफिक है। जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो प्लांट्स हैं, अल्जी हैं, और उसके बाद ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, और उसके बाद कुछ युगलिना या कुछ प्रोटोजोन्स भी ऑटोट्रॉफिक हैं। जबकि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे जानदार हैं जो किसी चीज को खाते हैं, जैसे आप खा रहे होते हैं, या कोई और जानदार जो है यूटिलाइज कर रहा होता है, जो खा रहा होता है उस खाने वाले प्रोसेस वाले जानदार को हम नाम देते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद जो है इस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से हम अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। हम कुछ टाइप्स को इधर आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि वो टर्म्स हमारे सामने बार बार आएंगे। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि आप बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के अंदर ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे और आपको परेशानी होगी कि पता नहीं ये क्या है। तो इस वजह से आप इस जगह पे ही समझ लें कि ये क्या और किस तरीके से है। इस ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफिक की फर्दर बेटा क्लासिफिकेशन है। एक होते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, आपने सुना होगा हर्ब प्लांट को कहा जाता है। कहते हैं कि भाई ये क्रीम हर्बल है। हर्बल का मतलब है जड़ी बूटियों से बनी हुई है, प्लांट से बनी हुई है, और वोरी तो मैं कहता हूं खोरी है। हर्बी वोरी का मतलब ये है कि प्लांट्स को खाना, हर्ब प्लांट के लिए कहा जाता है और वोरी का मतलब है खोरी, खोरी मीन्स ईटिंग। हर्बी वोरी का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट खाए जाए, पत्ते खाए जाए। तो हर्बी वोर्स जो है वो हमारे पास जो है गोट है, शीप है, काउ है, ऐसे तमाम जानदार जो प्लांट खाते हैं उनको हम हर्बी वोर्स का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा जिनको हम नाम देते हैं कार्निवोर्स। ये आप सुनते रहते हैं, ज्यादातर आपके जहन में भी होना चाहिए कि कार्निवोर्स गोश्त खोर जो है, जो गोश्त खाते हैं, जो ज्यादातर जानदार जो हैं दूसरे जानदार को खा रहे होते हैं, फिर किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हो, तो जो गोश्त खोर हैं, जो किसी गोश्त या हम कहते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन दें तो ऑर्गेनिज्म दैट ईट फ्लेश, ऑर्गेनिज्म क्या करे, ईट फ्लेश, फ्लेश मीन्स मसल्स के लिए हम कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मीट, क्या कह सकते हैं बेटा, मीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार गोश्त खाएं उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज है हमारे पास नंबर थर्ड पे, वो है हमारे पास ओमनीवोर्स हैं ये। ओमनीवोर्स का मतलब है जो प्लांट भी खाए और एनिमल्स या गोश्त को भी यूटिलाइज करें। क्या करें बेटा, ये ईट प्लांट्स, प्लांट्स एंड मीट। तो ओमनिवोर्स हम हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन कॉकरोच, ये ऐसे बियर है, मंकीज हैं। तो ये ऐसे जानदार हैं जिनके लिए हम कॉमनली कहते हैं कि ये ओमनिवोर्स हैं। वैसे बहुत सारे और भी हैं मगर ये कॉमन आप तीन जहन में रखें। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है उसके अंदर आप इस न्यूट्रिशन को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से है। तो मैं अब जो है आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड और मैं उसको अनम्यूट करूंगा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महक बेटा अब जो है अटेंडेंस ले लेना और स्क्रीनशॉट जरूरी है ताकि सादिया, सादिया खान, यस सर, मुझे ये पूछना था, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये अलगाए और फंजाए जो होते हैं, ये तो अपना
मतलब फूड जो है ये पानी के जरिए लेते हैं, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, तो सर ये दूसरे कैसे लेते हैं? कौन से दूसरे? बेटा ये हेट्रो। प्लांट जो है पानी के जरिए सिर्फ पानी लेते हैं और कुछ मिनरल्स लेते हैं, जो उसको ग्लूकोज बनाना है, प्रोटीन्स, लिपिड बनाने के लिए उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स जो क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज, जमीन से पानी मिलता है, सॉइल से पानी, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में जब यूटिलाइज करते हैं वो, तो उसमें से वो बनाते हैं जो है फूड मटेरियल। जमीन से, सॉइल से उसको पानी और मिनरल्स मिलते हैं, बाकी जो चीजें चाहिए वो खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी बेटा, जी शादिया सर, मुझे खान, ये पूछना था, ये हेट्रोट्रॉफिक कैसे बनाते हैं फूड? हेटरोट्रॉफिक बनाते नहीं है, ये खाते हैं, आप जो खा रही होती हैं, सारा दिन खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो दूसरे ऑटोट्रॉफिक बनाते हैं। इस दुनिया में जो फूड इंट्रोड्यूस करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, हम उस मटेरियल को खाते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो हम, मैंने पहले कहा कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडिंग ऑन द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जी बेटा, और कोई? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। नहीं जी ना, अरीबा। अरीबा, काशिफ, सर जी वो पूछे, फिर राहत बतूल है। जी न्यूट्रिशन से नहीं है, रेस्पिरेशन से बेटा, है। ऑफ कर दें, दूसरा जो आवाज आ रहा है। जी मेरा क्वेश्चन रेस्पिरेशन से है। सर आपने बताया था कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें जी जो है हम लोग कल्ट चेंज करते हैं, तो क्या, सर जब ये फर्मेंटेशन होती है तो तब भी हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते बेटा उसे? आपका आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं किसके साथ बैठी हो आप, क्लास के लिए अलग बैठा करें। लगी थी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो है फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट जो होती है वो भी सेम जी प्रोसेस ही होती है एनएबी? हाँ, सेम प्रोसेस से होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन से। आप जैसे शराब बनाते हैं, कभी शराब बनाए हैं? शराब आप घर पे बना सकते हैं, अगर वाइन जो है, वाइन गांव में बनाते हैं स्पेशली, तो गांव में ठरा बनाते हैं, कच्चा शराब बनाते हैं। वो बेटा कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं, पुराना गुड़ लेके आते हैं और उसके साथ यीस्ट और कुछ और केमिकल ऐड करके उसको एक बर्तन के अंदर डालकर जो है उसका मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे बंद करते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन न जाए। तो वो कभी कभार क्या करते हैं कि जमीन के अंदर उसको बरीड कर देते हैं, खड्डा खोद कर जो है अंदर डाल देते हैं और कवर कर देते हैं उसको। तो ये इस वजह से करते हैं कि अंदर ऑक्सीजन न जाए, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वाइन ज्यादा बेहतर बनेगी। और हम जब घर के अंदर दही बनाते हैं तो यही प्रोसेस होता है कि दूध के साथ हम दही तो डालते हैं, फिर डालने के बाद अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो प्रॉपरली नहीं डिवेलप होगा। हम अगर उसको कवर करके, ढक्कन दे के बंद करके रखते हैं उसको, तो अंदर प्रॉपरली जो है उसकी फर्मेंटेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। जी बेटा, ताश फ्रीन, और कौन है, हिंड्रेस किया है जिसने, जीना है मेरे ख्याल में, जीना है, फरीबा है, समीन, सर ये जो आपने अभी बताया जो वाइन बनाते हैं फर्मेंट करके, तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए भी तो टॉक्सिक होगी क्योंकि इसमें यीस्ट होगा। नहीं, हम उसको फिल्ट्रेट करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, ऐसे नहीं पीते। पहले उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद गांव में क्या करते हैं, वैसे तो बड़ा टर्बाइन्स होते हैं, गांव में क्या करते हैं कि उसी बर्तन को फिर इसके ऊपर रखते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें से एवापोरेट होकर वाइन के जो वेपर्स हैं वो किसी अलग बोतल में जा रहे होते हैं। फिर हम उस पानी के वेपर्स जो इसके अल्कोहल के मटेरियल्स होते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं लोग। तो ये कच्चा शराब होता है जिसकी वजह से टॉक्सिक होता है, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी उसके पीएच और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उसके साथ। मगर इसी सेम तरीके से अगर हम लेबोरेटरी के अंदर बनाएं या इसी सेम तरीके से अगर हम किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में बनाएं, तो हमें आसानी से बहुत ज्यादा पैसे कमाने को मिल सकते हैं। तो ज्यादातर, सबसे ज्यादा अर्निंग फील्ड है जिसमें से ज्यादातर लोग पैसे कमा रहे हैं इसमें से। जी बेटा, थैंक यू सर। और कोई? इकरा शेख है, सर मलाइका, जी
सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होती है? हाँ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन में होती है, मगर पूरी बॉडी हमारी एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करती। हम जब वॉक कर रहे होते हैं तो उस दौरान सांस ले रहे होते हैं, एयर ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और उस ऑक्सीजन, जिन जिन सेल को ऑक्सीजन मिलती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जिनको टेम्पररी ऑक्सीजन नहीं मिल सकती वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, थोड़ा सा एटीपी बनाते हैं, ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो एटीपी की वजह से वो जिंदा रह पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं, और लैक्टिक एसिड की वजह से वो थक जाते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हमारे मसल्स थोड़ी देर के लिए वर्क करते हैं इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, फिर आप जो है थक जाते हैं तो फिर आप रुक